कारण होगी। अब मैं बड़े सरकार को क्या जवाब दूंगा कि कहां गया? हाँ, लोहे की टोपी, हेलमेट, मर गया। तब तो जरूर हवाई जहाज चलाने गया। अब मैं क्या करूं? मेरा घर को तेरा देख के नहीं चलता। अरे बाप रे बाप, उधर मुसीबत, इधर मुसीबत। हेलो कंट्रोल टावर, मैं मुंशी माखनलाल बोल रहा हूँ, सेठ बिजमोहन सक्सेना के घर से। देखो विजय बाबू वहाँ आ रहे हैं, उनको अपना हवाई जहाज मत निकालने देना। छोटे सरकार। अरे बाप रे, मुंशी आ गया। रुक जाइए छोटे सरकार। ए पीटर, यस सर, जल्दी करना फटाफट यार। ओके सर। क्या है? बड़े सरकार, ये आप क्या कर रहे हैं? उधर आइए। अगर बड़े सरकार को मालूम हो गया कि आज के दिन भी आप हवाई जहाज चला रहे हैं, तो आपका जन्मदिन मेरे लिए मरण दिन हो जाएगा। अरे मुंशी जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप उस तरफ से अंदर आ जाइए, उस तरफ से। आइए आइए मुंशी जी, अंदर आ जाइए। अरे आइए ना, आइए। अरे अंदर आ जाइए मुंशी जी, आइए ना। अरे मुंशी जी, अरे पकड़ लिया मुंशी जी, अब तो नहीं छोड़ूंगा। छोटे सरकार, ये कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे क्यों साथ ले जा रहे हैं? छोटे सरकार, तुम मुझको उतार लीजिए, मैं मर गया। छोटे सरकार, आप मेरी हालत देखिए और मुझ पर रहम खा के जमीन पर उतार दीजिए। मेरी दो बीवियाँ और चार जवान लड़कियाँ हैं, कम से कम उन पर तो रहम खाइए। पुलिसों की कमी नहीं जग में, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। जन्मदिन हमारे पोते का है और तालियां हमें देखकर बजा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह,
आपकी जवानी के जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अरे खान साहब जाएगी कैसे? हम एक बार जो कह दे वो बिल्कुल सच होता है और पत्थर की लकीर होता है। हमने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला, याद है आपको? आज से 25 साल पहले हमने कहा था कि हम 45 बरस के हैं, आज भी हम 45 के हैं। खुदा के फजल से सारी जिंदगी 45 के ही रहेंगे। अंकल विजय कहाँ है? विजय यही कहीं होगा, अभी आ जाएगा, आ जाएगा। अरे वेलकम। यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कैसी बातें करते हैं सेठ जी, भक्त को भगवान तक पहुँचने में कैसी तकलीफ? मुझे इंसान ही रहने दो, भगवान मत बनाओ। कहो बेटी कैसी हो? I'm fine, thank you uncle. How are you? fine, thank you. Hey, मुझी। जी सरकार। इन लोगों के लिए ऊपर का मेहमान खाना खुलवा दो, गाड़ी में से सामान निकलवा कर ऊपर बैठा दो, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जब कुछ दिन हमारे पास रहेंगे। अच्छा सरकार, आओ तो मैं मेहमानों से मिलवाओ। इन बाप बेटी को सरकार ने हांगकांग से क्यों इंपोर्ट किया? जरूर इसमें कोई मकसद होगा। फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपको अपने बहुत पुराने साथी और मित्र से मिलाना चाहते हैं। ये है मिस्टर हरचरण वर्मा और ये है इनकी खूबसूरत बेटी आरती। आज हम आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहते हैं, वो ये है कि आज हमारे पोते विजय का जन्मदिन ही नहीं बल्कि आरती और विजय की सगाई का दिन भी है। लेकिन दादाजी विजय कहाँ है? क्या हुआ? अरे भैया तुम मरे की खातिर आगे कहाँ जा रहे हो? आगे बहुत बड़ा दंगा हो रहा है। दंगा? कौन कर रहा है दंगा? अरे वही ससुरा भीमा है, भीमा। नीनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने पुलिस को खबर नहीं दी, मैंने पुलिस को खबर नहीं दी। भीमा छोड़ दे इसे। भीमा, कोई भी माँ अपने बच्चे की कसम खाकर झूठ नहीं बोलती। तू कौन है बे? इसके बच्चे का बाप? भीमा! रुक जाओ! कुत्ते के पिल्ले, मर्द हो तो मुझसे लड़ो। अब्दुल, thank you.
जी, इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया है, मगर अकल छोटे बच्चे जितनी भी नहीं है। हम तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए आपने सारे काम धंधे बंद करके लंदन से यहाँ आए, और तुम्हारे पास हमें मिलने के लिए वक्त भी नहीं है। सॉरी दादाजी, वो सॉरी के बच्चे, हमने तुम्हें इतनी छूट इसलिए दे रखी है कि हमारे स्वर्गवासी बेटे ने एक पोता दिया। इसमें मेरा क्या कसूर दादाजी, मैंने थोड़ी उन्हें रोका था। शायद आप तुम भी हमारी तरह बहुत बोलने लग गए हो। विजय, आज हम तुमसे बहुत सीरियस बात करना चाहते हैं। तो कीजिए। तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, जानते हो तुम कितनी फैक्ट्रियों कितनी कंपनियों के मालिक हो। कल से तुम 6 बजे उठोगे और 1 घंटे के अंदर तैयार होकर 7 से 8 बजे तक ओवरसीज की कॉल अटेंड करोगे जी? और 8 से 8:30 के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट करके गाड़ी में बैठकर सीधे ऑफिस जाओगे। वहाँ तुम्हारा सेक्रेटरी तुम्हारे पास आएगा और जरूरी मैटर डिस्कस करेगा। उसके बाद सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर अपने अपने रिपोर्ट और प्रॉब्लम लेकर तुम्हारे पास आएंगे। फिर 1 से 1:30 बजे तक लंच है, लंच का मतलब है कि सिर्फ सूप और सैंडविच मिलेगा। मगर दादाजी, अगर मगर कुछ नहीं, अगर तुम सीधी तरह नहीं माने तो हम तुम्हें ऑफिस की कुर्सी पर बिठा कर जंजीरों से जकड़ देंगे, और तब तक जकड़े रखेंगे जब तक कि तुम बूढ़े नहीं हो जाते और तुम्हारा बेटा कुर्सी के काबिल नहीं हो जाता, समझे दादाजी? La 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 la. Hi, handsome. Huh? पहचाना नहीं ना? मैं आरती हूँ। आरती? हाँ, बचपन में हम साथ खेला करते थे, याद है? तुमने एक दिन मुझे बहुत सताया था, तो मैंने तुम्हारी बापर पूरी तरह काट लिया था। वो निशान अभी भी है, समझ गया? देखो। लेकिन आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? जब से मैं हांगकांग से आई हूँ तुमसे मिलने के लिए बेचैन थी। मिलने? और किस तरह? इतनी रात गए? So what's wrong in that? After all, हम दोनों की शादी होने वाली है। शादी? ये किसने कहा आपसे? तुम्हारे दादाजी ने। शाम की पार्टी पर उन्होंने अनाउंस किया था कि विजय और आरती बचपन के दो साथी अब एक दूसरे के जीवन साथी बन गए हैं। No. क्यों? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं 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 नहीं, हाथ तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन थोड़ी दूर। What's this यार? मैं तो सोचती थी मेरा विजय बहुत बड़ा प्ले बॉय होगा, मुझे देखते ही अपनी बाहों में ले लेगा और बस 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 बस। मैं जानता हूँ बहुत फॉरवर्ड, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? What प्रॉब्लम? वो जो मेरे दादाजी है ना, दादाजी करोड़ों की दौलत है उनके पास, सारी दुनिया घूमते हैं, वो 3-पीस सूट भी पहनते हैं, लेकिन वो 3-पीस सूट के नीचे जो दिल है ना, वो एक सीधे साधे हिंदुस्तानी का है। और अगर वो ये जान जाएं कि आप इस वक्त इस लिबास में मेरे कमरे में आई थी, तो वो कल आपकी उंगली में मंगनी की अंगूठी के बजाय आपके हाथ में वापसी का टिकट दे देंगे। लेकिन उन्हें बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। हाँ? मैं अपने दादाजी से झूठ कभी नहीं बोलता। देखिए, अब देर बहुत हो गई है। बी अ गुड गर्ल, हाँ? गुड नाइट, हाँ? स्टूपिड गर्ल। अरे, गुड नाइट माय वुड बी हस्बैंड।
हे भगवान, ये मेरे दादाजी को हो क्या गया है? पहले तो जंजीरों से बांधकर कुर्सी पर बिठाएंगे, अब इस चमचम से शादी भी कराएंगे। नेवर दादाजी, नेवर। डियर दादाजी, आई एम सॉरी, अभी कुछ समय के लिए ना मैं कारोबार की जंजीरों में बंधना चाहता हूँ, ना आरती से शादी करके गृहस्थी के जंजाल में फंसना चाहता हूँ, मगर ये बात आपसे डायरेक्ट करने की मुझमें हिम्मत नहीं थी, इसीलिए ये चिट्ठी छोड़े जा रहा हूँ। और ये विस्की आपके गुस्से को ठंडा करने के लिए है। चीयर्स, आपका विजय। फिर तीन लड़कियों का खून। आई होप दिस पास्टर्स कॉट अलाइव। चलो तीन कॉलेज लड़कियों की भेदी मौत, हत्या या आत्महत्या? पिछले दिनों कॉलेज की तीन सुंदर लड़कियों की मौत ने शहर में सनसनी फैला दी है। एक लड़की की मौत ट्रेन के सामने आ जाने से हुई, दूसरी की आठवीं मंजिल से छलांग लगाने से और तीसरी की नदी में कूद जाने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि तीनों ने एक ही प्रकार की नशे की गोलियां खाई हुई थी और तीनों का शील भंग किया गया था। पुलिस को शक है कि इन तीनों की मौत के पीछे एक ही आदमी का हाथ है और पुलिस उसे तेजी से तलाश कर रही है। प्लीज, मैं बचाऊंगी, भगवान के लिए गोली दे दीजिए। अगर तुम्हें ये गोली चाहिए तो मेरी शर्त मान लो, और अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं तो मैं चला। प्लीज प्लीज, तो ये उतारो। नहीं, नहीं, उतारो। नहीं, अब तो दे दो। उतारो उसे, उतारो। आ, आ, आए, आओ मेरे पास आओ। आ पियो इसे, पियो पियो। ओ डैड, आप? बेटा, जब तक यहाँ का मामला ठंडा नहीं पड़ जाता तुम्हें कश्मीर में छुपकर रहना होगा। हाँ, वहाँ एयरपोर्ट पर मेरे दोस्त कुमार साहब तुम्हें लेने आएंगे। ये तो वही लड़की है। अरे बचाओ, अरे डूब गया, बचाओ।
बचाओ, अरे बचा, अरे माय गॉड विजय, कमल तुम यार श्रीनगर में और इस जल्ले के अंदर आत्महत्या कर रहे थे? नहीं यार, लेकिन करूंगा, करनी पड़ेगी यार। क्या फिर क्या करूं यार, दो बार देख चुका हूं, दो बार, और दोनों बार ऐसे ही हुआ है। अरे क्या हुआ? बस गायब, ठीक तरह से दर्शन भी नहीं हो सके। कौन गायब, किसके दर्शन? यार तू मेरे साथ हाउस बोट चल, मैं पूरी कहानी वहीं सुना। चलो अच्छा। तो यही है मेरी कहानी यार। ये कहानी नहीं, ये तो भूमिका है प्यारे। कहानी तो अब बनेगी। कैसे बनेगी यार, हीरो को हीरोइन का नाम तक नहीं मालूम। अरे नाम क्या, पता भी मालूम हो जाएगा। प्यार अंधा जरूर होता है मगर सारे रास्ते खोज निकालता है। अरे वाह, ये डायलॉग आपने किसी किताब में पढ़ा है या किसी फिल्म में सुना है? एक्सपीरियंस प्यारे, सिर्फ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस? आपको प्यार का एक्सपीरियंस कब से होने लगा? याद है कॉलेज में लड़कियों के सामने आपकी बोलती तक बंद हो जाती थी, और अब? हालत तो अभी वही है विजय। लड़की मेरी पड़ोसी है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं, मगर इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि जो बात दिल में है वो जबान पर भी आ जाए। ये चक्कर कब से शुरू हुआ यार तेरा? बस जब से तुम्हें और कॉलेज को छोड़कर बम्बई से यहाँ आया। तुम तो जानते हो विजय, पिताजी मर चुके थे, उनका सारा कारोबार मुझे संभालना पड़ा। होटलों टूरिस्ट सेंटर्स को सामान सप्लाई करने लगा। बस इसी चक्कर में उससे मुलाकात हो गई, मगर यार बात मुलाकात से आगे नहीं बढ़ती। कोई बात नहीं यार, तुम अपने विजय कुमार सक्सेना का फायदा उठाओ। तुम तो जानते हो कि लड़कियों के मामले में हमारा रिकॉर्ड क्या है। लड़की नखरेली हो या हटेली, दौलत वाली हो या पहलवान की साली, जैसे विजय कुमार सक्सेना ने अपनी जबान का जादू चलाया, वैसे ही इन लड़कियों का नाजुक दिल थर्राया और लड़की सीधे अपने प्रेमी के बाहों में। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा कमल, लेकिन बात तुम्हारी, जबान हमारी, बोलो मंजूर? नेके और पूछ। मगर यार काम जरा टेढ़ा है, क्योंकि वो लड़की। अरे तुम अपने काम की फिक्र बंद करो और मेरे काम की फिक्र शुरू करो। तुम्हारा काम जी? अरे तुम्हारा कौन सा काम है? वही मेरा सपना। ओ यार, सपना को ढूंढने में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे ये तो मालूम है कि वो यही इसी शहर श्रीनगर में रहती है, लेकिन उसका नाम अता पता कुछ नहीं मालूम। कोई तस्वीर वसीर है उसके? तस्वीर तो नहीं है, एक तस्वीर है। अच्छा हाँ, तो फिर हो जाओ शुरू, बताओ उसके बारे में। देखिए तुम्हारी वाली ज्यादा हसीन है या हमारी वाली? हो जाए चलो। कैसे समझाऊं तुझे क्या है मेरा यार हसीन, मैंने देखा है जिसे तूने देखा ही नहीं। गुलाबी गोरे गाल अदाए बेमिसाल, खुदा का है कमाल, तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा। गुलाबी गोरे गाल अदाए बेमिसाल, खुदा का है कमाल, तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा। हवाओं जैसी चाल, घटाओं जैसे बाल, बिछाए कैसे जा, मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा। गुलाबी गोरे गाल अदाए बेमिसाल, खुदा का है कमाल, तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा।
चल के कहाँ छुप जाए मेरी दुनिया बदल के दुनिया बदल के हो मैं भेजूं सुबह शाम ये सांसों के पयाम न जानूं उसका नाम तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा किरणों के लाले हाय सारे बदन में किरणों के लाले खुशबू उड़ाए जैसे फूलों की डाली फूलों की डाली हो जवानी पुर नूर आंखें नशे में चूर लगे वो कोई हो तौबा मेरी तौबा गुलाबी गोरे गाल अदाए बेमिसाल खुदा का है कमाल तौबा मेरी तौबा 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 पंडित जी पंडित जी वो जो लड़की आई थी ना अभी वो कहाँ गई पंडित जी लड़की शिव 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 मंदिर में आकर लड़की की बात करता है अरे भगवान का ध्यान कर भगवान का अरे तो भगवान के लिए पंडित जी वो जो लड़की जिसे आप प्रसाद दे रहे थे ना उसका पता बताइए ना उसका नाम बताइए ना पंडित जी प्लीज प्लीज पंडित जी अरे मुझे कोई डाकखाना समझा हुआ है चल भाग यहाँ से भाग अरे डाकखाना नहीं पंडित जी अरे जाता है कि नहीं भाग यहाँ से पंडित जी बताइए ना अरे भगवान शिव जी की कसम पंडित जी मुझे अरे क्या हो रहा है इधर सरकार आजकल के लड़के मंदिर तक को नहीं छोड़ते हैं हमसे लड़की का पता पूछ रहे हैं क्यों बे मजनू की औलाद हवालात में बंद कर दूं हवालदार साहब बंद नहीं कीजिए मैं तो पूजा कर रहा था जाओ छोड़े कमर मैं कभी अपनी जिंदगी में अपने बेडरूम से इतने सवेरे नहीं निकला देखो तुमने शामें तो बहुत देखी होंगी मेरे यार मगर कभी सवेरा भी देखो देखने की चीज है मगर कमल मगर मगर कुछ नहीं तुम चलो अंदर ओके विजय बाय गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन मैं सोना माथुर आज की इस टूर में आप सबकी गाइड फूलों की इस वादी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन यही वो जगह है जिसके बर्फ से ढके पहाड़ों गुनगुनाते हुए चश्मे और फूलों से महकते गुलशनों को देखकर मुगल शहंशाह जहांगीर ने कहा था अगर फिरदौस बर्रुए जमीन अस्त हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्तो इस फारसी शेर का मतलब है अगर जमीन पर स्वर्ग है तो वो यही है यही है यही है My foot स्वर्ग जब तक वो मिल नहीं जाती मेरे लिए तो नर्क है नर्क जी कुछ कहा आपने जी हाँ
आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आखिर आप मिली गई ना, बड़ी मुश्किल से आप मिली गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप, बैठ जाइए। ये शालीमार गार्डन है जिसे शहंशाह जहांगीर ने बनवाया था। एक फोटो ले सकता हूँ आपकी? वो नूर जहां से ही नहीं ये तो बल्कि दुनिया की हर खूबसूरती से प्यार करता था। हर साल जब गर्मियों की तेज धूप चट्टानों को पिघलाने लगती, शहंशाह जहांगीर और नूर जहां कुदरत की बनाई हुई जन्नत में आ जाते, जहां न दरबार की साजिशें होती न राजनीति के दांव। बस वो होते और उनका प्यार होता, असीम प्यार, अटूट प्यार, अमर प्यार। जहां पना, आप इस तरह हमारे चेहरे में क्या देख रहे हैं? मलिका आलम, हम सोच रहे हैं कि दुनिया खूबसूरती को खुदा मानती है, उसे सजदा करती है। अगर खूबसूरती को सजदा करने का हुक्म दिया जाए तो वो आपके सामने अपना सर झुका देगी। ये हमारा हुस्न नहीं, जहां पना की नजर है जो हमने जमाने भर की खूबसूरती देख लेती है। हमारे करीब आइए, हम आपकी खूबसूरती महसूस करना चाहते हैं। हम आपके हुस्न को छूकर देखना चाहते हैं। क्या कहा जी? जी कुछ नहीं, मैं तो नूरजहां से कह रहा था। मेरा मतलब है जहांगीर नूरजहां से कह रहा था। चुप रहिए आप, आप लोगों को आधे घंटे का टाइम दिया जाता है। आप चाहे तो गार्डन में घूम सकते हैं और खूबसूरत चीजों की तस्वीरें भी ले सकते हैं। जाइए। अरे अरे, कहाँ जा रही हैं आप? अरे एक फोटोग्राफ तो ले चाहिए। ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत लगती हैं आप, ये एंगल अच्छा है। अरे वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाह ऐसे। अरे आप मेरी इजाजत के बिना मेरी तस्वीरें नहीं ले सकते। कमाल है, अभी अभी तो आपने कहा था कि गार्डन में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं हम उनकी फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो आपसे ज्यादा खूबसूरत चीज कहाँ मिलेगी मुझे? आप सोचिए, मैं थैंक यू कहूंगी। नेचुरली गेट लॉस्ट। अरे गॉड, जुनी जुनी, हाय बेबी जी। आ गए आप? हाँ, जल्दी से एक कप चाय बना दो, सर बहुत दुख रहा है। अभी नहीं, उस पागल आदमी ने तो सारा दिन खराब कर दिया। हाँ? कौन पागल, किसके लिए पागल? आपके लिए। कितनी अच्छी खबर सुना दी बीबी जी। बीबी जी फौरन शादी कर लीजिए, फौरन। ये जवानी बड़ी जालिम होती है, अकेले काटे नहीं कटते। हाय जुनी, मैं सच कह रही हूँ बीबी जी, मुझे तो तीन का तजुर्बा है। चौथा कमबख्त हाथ से निकल गया, वरना आशा तो... आप तुम्हें इन फालतू बातों के से और कुछ नहीं आता क्या? हरि के साथ मेरी शादी कराती रहती है, जा चाय लेकर आ। लाती हूँ बीबी जी। बीबी जी चाय की पत्ती नहीं है। क्यों, सुबह वो पूरी सामान की लिस्ट दे गई थी, लाई क्यों नहीं? लाने को गई थी बीबी जी, लेकिन वो कागज का टुकड़ा पता नहीं कहाँ गुम हो गया। किसी के हाथ दिया था? किसके हाथ दिया था? ये मेरे हाथ में दिया था। हुआ यूं कि आपकी ये जूनी देवी सुबह सामान की लिस्ट मेरे यहाँ छोड़ गई थी। और अपना तो काम ही है होटलों क्लबों को माल सप्लाई करना, तो आपके यहाँ भी पहुँचा दिया। थैंक यू, मिल गई चाय की पत्ती। चाय की पत्ती नहीं, साबुन है, ये लो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कमल, अगर तुम जैसे दोस्त और पड़ोसी ना होते तो मैं यहाँ कैसे रहती? मैं भी यही सोचता हूँ, अगर तुम जैसे दोस्त और पड़ोसी ना होते तो मैं यहाँ कभी नहीं रहता। मजाक नहीं कमल, कभी कभी तो अपने अकेलेपन से मुझे बहुत डर लगता है। तुम अकेली कहाँ हो? तुम कभी अकेली नहीं रही। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ तो चाचा जी जैसे बहादुर आदमी का आशीर्वाद है, जिसने अपने देश की रक्षा के लिए जान तक कुर्बान कर दी। फिर ऐसे बहादुर आदमी की बेटी डर कैसे सकती है?
तुम जब ऐसी बातें करते हो तो एक बार फिर मुसीबतों से आंखें मिलाने की हिम्मत आ जाती है मुझे। क्या हुआ? मेरी आंख, पता नहीं क्या चला गया। अरे इस मुसीबत से आंखें मिलाने को किसने कहा था? अरे नहीं नहीं मालूम मत, ला मुझे दिखाओ, दिखाओ, देखो। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ करो ना। हाँ। निकल गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सोना, एक बात कहो। हाँ कहो। तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगी? नहीं, तुम्हें हमेशा की तरह बिल्कुल सही समझूंगी। मैं कह रहा था कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं कह रहा था कि तुम शाम को लेक पर आ सकती हो क्या? क्यों? पर्दों के कपड़ों का कुछ ऑर्डर मिला है तो तुम मेरे लिए कलर और कपड़ा सेलेक्ट कर दो तो तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है ना? बस इतनी सी बात के लिए इतनी लंबी फॉर्मेलिटी? मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, लेकिन ठीक 5 बजे। अरे कमल के बच्चे, तू इधर खड़ा है यार? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे यार। चल, वो सामने एक रेस्टोरेंट है ना, बहुत सारी बातें करनी है। चल विजय, तुम वहां चलकर बैठो, मैं अभी 5 मिनट है। बाद के बच्चे, अब यार बहुत बड़ी खुशखबरी है, पार्टी दे रहा हूँ, पार्टी। चल ना। प्लीज विजय, मेरा एक कस्टमर आने वाला है, बहुत बड़ी बिजनेस डील है, वो आता ही होगा। साले कस्टमर का इंतजार कर रहा है। साले साफ साफ क्यों नहीं कहता कि गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है? ठीक है यार, जो भी है, मगर तुम इस समय यहाँ से जाओ। अरे कमल, इतना नर्वस क्यों हो रहा है यार? देख, उसे आने तो दे, मैं ऐसा नक्शा जमाऊंगा, ऐसा नक्शा जमाऊंगा कि वो सीधा मेरी जान, मेरा दिल, मेरा जिगर करके ऐसे गले लगेगी कि वो छोड़ेगी नहीं जिंदगी भर। देखना है? ए देख। अरे, अरे, विजय। छोड़ो माने कमल अब। विजय क्या कर रहा है, मुझे छोड़ना। क्या कर रहा हूँ यार? अरे अरे नहीं छोड़ूंगा, बोला ना। अरे नहीं छोड़, मुझे छोड़। हाँ? अरे मेरी जान, मेरा दिल। क्या बोल रहा है? मेरा जिगर। क्या बकवास कर रहा है? वाह वाह, क्या बात है। मेरा सपना, मेरी जान, मेरा लव, मेरा सब कुछ। विजय क्या बकवास है? हाँ यार, वो देख, वो मेरी लड़की, वो देख, वो शिकारे में। वो शिकारे में? हाँ यार, इसी के लिए तो विजय कुमार सक्सेना इस कश्मीर की वादियों में रोमियो बनके खाक चढ़ रहा था। अरे यार कमल, मैं चलता हूँ, नहीं तो वो फिर से गायब हो जाएगा। तेरी गर्लफ्रेंड को मैं कभी भी मिल सकता हूँ यार, दोस्त। हाँ बाय। हाँ शुक्रिया। नसीब जी, जवाब नहीं आपका भी। मुझे बस के बाहर खड़ा किया और खुद दूसरी तरफ से निकल गई। कोई बात नहीं, तब की अधूरी मुलाकात हम आप पूरी किए देते हैं। देखिए, वहां सामने एक होटल है, वहां से झील बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। आइए वहां चाय शाय पीते हैं, गपशप मारते हैं। यूं समझ लीजिए कि विजय कुमार सक्सेना की यह शाम आपके नाम लिखी जा चुकी है। मगर विजय कुमार सक्सेना साहब, मेरी यह शाम किसी और के नाम लिखी जा चुकी है, मैं उसी से मिलने यहाँ आई हूँ। छोड़िए मेरा हाथ। देखिए, आज मैं आपको हाथ से नहीं जाने दूंगा। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। वो आ गए, छोड़िए। कितनी देर कर दी आपने, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। वो क्या है कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए थोड़ी गड़बड़। चलिए चलिए, चले जी। चलो डैडी, क्या बात है, आप
अचानक गाड़ी में आकर बैठी और अचानक गाड़ी रोकने के लिए कह रही है? कौन था वो बदमाश? वो बदमाश नहीं, जरा बोर था। मैं उसी से बचने के लिए आपकी गाड़ी में आके बैठ गई। मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। ऐसी क्या बात है, आपको घर तक छोड़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे क्या हुआ? दर्द। दर्द? कैसा दर्द? दिल, दिल का दर्द, बार बार दौरा पड़ जाता है। ओह माय गॉड। सब डॉक्टरों का कहना है कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मैं भी पास में से डॉक्टर को बुला लूंगा। नहीं, इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। जरा सा पानी मिल जाएगा तो मैं अपनी दवा खा लूंगा। आप घबराइए नहीं, मेरा घर यही नजदीक है। थोड़ी देर आराम करने से आपकी तबीयत संभल जाएगी। चलिए। आपका घर नजदीक में है? जी हाँ। हाँ तो वहीं चलते हैं। संभालिए। मेरे दिल का दर्द। आप यहाँ बैठिए, मैं भी पानी लेकर आई। पानी की जगह कोई गर्म चीज मिल जाए तो दवा असर जल्दी करेगी। ठीक है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अब घर में और कोई नहीं है क्या? जी नहीं, बस एक जूनी है, वो सुबह से छुट्टी लेकर कहीं बाहर गई है। ओह, तो ठीक है, चाय दो कप ले आइए। दो कप? मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ बैठ के चाय पिए। हो सकता है कि यह चाय मेरी जिंदगी की आखिरी चाय हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। यू विल बी ऑल राइट। मैं भी आई। दिल का दर्द तो एक दिन मेरी जान ही ले लेगा। आप अकेली रहती हैं, आपको किसी से डर नहीं लगता? पास पड़ोस के लोग इतने अच्छे हैं कि अकेलेपन का एहसास ही नहीं होता। अगर कोई बुरी नियत वाला इंसान घर में घुसा है तो? मेरी एक आवाज पर सब लोग जमा हो जाएंगे। ओह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आवाज निकालने का मौका ही नहीं मिलता। लीजिए, चाय लीजिए। ये तस्वीर आपकी है? हाँ। कितनी अच्छी तस्वीर है, कितनी खूबसूरत लग रही है आप। चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो, खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। आपका दर्द ठीक हो गया? बेटर है, चाय पियूंगा तो शायद ठीक हो जाए। अब आप जैसा हमदर्द मिल जाए तो मरने को जी नहीं करता है। चीयर्स, आने वाले अच्छे दिनों के लिए। आप चाय पियो ना। जी। मैं ठीक वक्त पर आ गया। आज मुजरिम को साथ लेकर ही जाऊंगा। मुजरिम? कौन मुजरिम? तुम। मेरी बीवी के नजरों में तुम मुजरिम हो। पिछले हफ्ते तुम हमारी बीवी के बर्थडे में नहीं आई थी ना? सॉरी भैया, वो बात। सफाई पेश करनी हो तो चलकर अपनी भाभी के सामने पेश करो। उसका हुक्म है कि मैं तुम्हें क्लोज अरेस्ट करके इसी वक्त घर ले चलूं। चलो। मगर वो बात यह कि। मगर मगर क्या, आईजी का हुक्म टाला जा सकता है, श्रीमती जी का नहीं। चलो। आप पहले चाय तो पी लीजिए। थैंक यू। अगर बीवी के बाद कोई कमजोरी है तो चाय। अरे ये चाय इनके लिए। तो क्या हुआ, इसमें कोई खास बात है क्या? ये हमारे घर चलकर चाय पी लेगी। अरे ये कौन है, इन्हें तो मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। ये मिस्टर शेखर हैं, अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मुझे चक्कर आ गए थे, मुझे दिल की बीमारी है ना। ठीक है, आप चलकर मेरी जीप में बैठिए। आपकी तबीयत खराब है ना, मैं अपने डॉक्टर से चक्कर आता हूं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं,
मैं अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा दूंगा। मैं चलता हूँ, बाय। बाय। नमस्ते। बाय। इनकी तबीयत सचमुच खराब है या मुझे देखकर खराब हो गई थी? तुम पुलिस वालों से तो भगवान ही बचाए, हर एक पे शक करते रहते हैं। गुड मॉर्निंग गाइड। उतरिए, फौरन उतर जाइए। आज ये पूरी बात किसी प्राइवेट पार्टी ने बुक कराई है। प्राइवेट पार्टी? कौन प्राइवेट पार्टी? है बॉम्बे के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी पूरी फैमिली। चलिए उतरिए। बॉम्बे के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट? आपका मतलब सक्सेना फैमिली से तो नहीं है? सक्सेना? जी हाँ, वही सक्सेना फैमिली। मगर सक्सेना फैमिली तो बहुत ही छोटी फैमिली है, एक दादा और एक पोता है। और पोता जो है बहुत ही नेक, हैंडसम और जिंदा दिल लड़का है। आप जानती हैं उसे? मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं, आप फौरन नीचे उतर जाइए। टेक इट इजी मैडम, टेक इट इजी। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। वैसे आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि वो पोता मैं ही हूँ। जी जी। और ये सारी बस मैंने ही बुक की है। क्या? जी हाँ, ये देख लीजिए, ये टिकट देख लीजिए, डेट तारीख सब चेक कर लीजिए। और ये भी देखिए, ये बस सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल, परसों और उसके बाद नर्सों और उसके बाद और उसके बाद सिर्फ मेरे लिए ही बुक है। चेक कर लीजिए। अब आप मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगी? चलो ड्राइवर। अरे 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 अरे, अब मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगी आप? शट अप। आप चुप क्यों हैं मिस माथुर? आपकी मीठी आवाज सुनने के लिए तो मैंने पूरी बस बुक की है। समझ में नहीं आता आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। नहीं समझी? अभी नहीं समझी? जरा मेरी आंखों में देखिए, ये आंखें आपके हसीन चेहरे के सिवा और कुछ नहीं देखना चाहती। और मेरे ये जो कान है ना, आपकी मीठी आवाज सुनने के लिए बेचैन है। आप मेरी मीठी आवाज सुनना चाहते हैं ना? सुनिए। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सोना माथुर, योर गाइड स्पीकिंग। हर साल जब गर्मियों की तेज धूप चट्टानों को पिघलाने लगती, शहंशाह जहांगीर और नूर जहां बस, दर... बस 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 बस, आप बंद भी कीजिए लेक्चर। क्यों? आपने तो मेरी मीठी आवाज सुनने के लिए पूरी बस बुक की थी ना? जी। क्या आपको इन रटी रटाई लाइनों के सिवा और कुछ नहीं आता? जी नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। शहंशाह जहांगीर मलका नूर जहां को चाहता था। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि एक शहंशाह एक मलका को चाहता था, बल्कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो दोनों प्रेमी थे। इम्पोर्टेंट बात प्रेम है। चाहे वो जहांगीर का नूर जहां से हो, शाह जहां का मुमताज महल से हो, मजनू का लैला से हो, हीर का रांझा से हो, और मुझ जैसे छोटे आदमी विजय का सोना से हो। ओ, ओ। प्यार आखिर प्यार होता है, और मेरा भी प्यार किसी जहांगीर, शाहजहां, हीर, मजनू से कम नहीं। अरे ठीक है, मत सुनिए, लेकिन मैं कहूंगा, चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, बार बार कहूंगा कि विजय सोना से प्यार करता है, विजय सोना से प्यार करता है, विजय सोना से प्यार करता है, विजय सोना से प्यार करता है। अंकल, आंटी क्यों कान बंद करके बैठी हुई है? आंटी, तुम्हारी आंटी को मैं कहानी सुना रहा था, शायद उनको पसंद नहीं आई। कैसी कहानी? प्रेम कहानी। प्रेम कहानी? किसको प्रेम हुआ था, किसके साथ? एक इंसान को प्रेम हुआ था एक खूबसूरत परी से। तो फिर हमें भी सुनाइए ना वो कहानी। सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। अच्छी बात, तुम सब मिलकर 1 2 3 बोलो और हम शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक सब्ज परी मेरे ख्वाबों में आती है चली जाती।
रही है, सब जाने उसके प्यार में दीवाना कोई हो गया, ये वो जाने ना। एक सब्ज परी मेरे ख्वाबों में आती है चली जाती है, सब जाने उसके प्यार में दीवाना कोई हो गया, ये वो जाने ना। एक सब्ज परी मेरे ख्वाबों में आती है चली जाती है। देखता ही रहा शमा को जैसे देखे परवाना, न मुझे पहचाना न हल दिल जाना, कहा तो कहा हंस के दीवाना। कल उसे देखा तो देखता ही रहा शमा को जैसे देखे परवाना, न मुझे पहचाना न हल दिल जाना, कहा तो कहा हंस के दीवाना। मेरे दिल में रहती है मगर ये सूरत मेरी आज भी वो पहचाने ना। सब्ज परी मेरे ख्वाबों में आती है चली जाती है। परी मेरे ख्वाबों में आती है चली जाती है। बिगड़ती ही जाए डराए मुझे आंखें दिखा के, यही जिद थानी मनाए नहीं मानी, ले जाऊंगा दीवानी को उड़ा के। अकड़ती ही जाए बिगड़ती ही जाए डराए मुझे आंखें दिखा के, यही जिद थानी मनाए नहीं मानी, ले जाऊंगा दीवानी को उड़ा के। मेरा हक है उसके प्यार पे, एक दिन मैं उसके प्यार में दे दूंगा ये जान। परी मेरे ख्वाबों में आती है चली जाती है, सब जाने उसके प्यार में दीवाना कोई हो गया, ये वो जाने ना। एक सब्ज परी मेरे ख्वाबों में आती है चली जाती है। अरे आप यहाँ मेरे घर में? जी हाँ, आप ही का इंतजार कर रहा था।
मेरा इंतजार क्यों? उस दिन साथ में चाय नहीं पी सके ना, इसीलिए मैं साथ में चाय लेकर आया हूँ। दो घूम पी के देखिए आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। मैं इतनी जल्दी दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचना चाहती। देखिए आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं। ये बात नहीं शेखर साहब, अभी चाय पीऊंगी तो रात भर जागना पड़ेगा। वो तो वैसे भी जागना पड़ेगा जी? ओ, इसी बहाने मैं रात भर आपके साथ जाग जाऊंगा। क्या मतलब है आपका? अजी चाय पीजिए, मतलब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ना मैं चाय नहीं पीऊंगी। चाय पियो। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं पियोगी तो जबरदस्ती ही समझो। जनाब जबरदस्ती मत कीजिए, चाय पीने से गोरी लड़कियां खाली पड़ जाती हैं। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। आज मैं जरा जल्दी में हूँ, लेकिन मैं फिर मिलूंगा तुम्हें। और मैडम चाय तो मैं जरूर पीऊंगा। चाय। थैंक यू वेरी मच, आपने उस पागल से मेरा पीछा छुड़ाया। लेकिन आप तो उसे अच्छी तरह से जानती है ना? नहीं, उस दिन पहली बार मिली थी। आपके हाथ से तो खून बह रहा है, चलिए मैं दवा लगा देती हूँ। चलिए। हे महाप्रभु, मैं तुमसे तुम्हारी कला नहीं मांगता, बस मुझे अपनी कलाकार दे दो, काफी है। अरे आप इस मूर्ति से क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा पर्सनल बातें कर रहा था। हाथ लाइए। गॉड, गहरा नहीं है। क्या बात कर रही हैं? जख्म गहरा होने में देर थोड़ी लगती। क्या आप कभी सीरियस नहीं होते? सीरियस? सीरियस हो गया बस। अरे आप तो हंस पड़ी, मैं तो समझ रहा था आप सिर्फ दिवाली होली पर हंसती होगी। हंसना इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं मिस्टर विजय। आदमी अकेला रो तो सकता है, पर अगर अकेला हंसने लगे तो उसे पागल कहा जाता है। क्या आपका कोई भी नहीं? एक था, मगर वो मुझे छोड़ के चला गया। ओ। मेरे डैडी ही मेरा सब कुछ थे, एक बार प्लेन लेकर गए, कभी वापस नहीं आए। मगर आज तक मैं उनकी दी हुई तन्हाई को अमानत की तरह लिए बैठी हूँ। आपके डैडी फ्लायर थे? हाँ, विंग कमांडर संतोष माथुर, ये उन्हीं की तस्वीर है। फैंटास्टिक, मुझे भी बहुत शौक है हवाई जहाज चलाने का। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एयरफोर्स में भर्ती हो जाऊं, लेकिन मेरे वो दादाजी है ना, उनके सामने किसी की नहीं चलती। ना एयरफोर्स में जाने दिया, वो बोले अरे बेटा अपने कंपनी का जो प्लेन है ना वही चलाते रहना, मजे करना, वरना आज मैं फाइटर पायलट हो जाता और अपना फाइटर लेके दुश्मनों के इलाके में घुसकर ज़ूम। आपको फ्लाइंग का शौक है? नहीं, मुझे भरतनाट्यम का शौक है। हाँ ये बातें तो ये तस्वीरें बता चुकी हैं। जब हम साउथ में थे ना, मेरे डैडी ने मुझे कला निकेतन में छोड़ दिया था, वही सीखा था मैंने। अरे मैं भी कैसी पागल लड़की हूँ, दवाई लगाना तो भूल ही गई। हाथ लाइए। लाइए, मैं लगा देता हूँ। ऐसे थोड़ी कॉटन के क्या कर रहे हो? बहुत जख्म है। अरे बाप रे, ये तो हाथ के जख्म के लिए हो गया, अब दिल के जख्म के लिए। अरे क्या कर रहे हो? अरे थोड़ा जहर है, क्या कर रहे हो? नहीं, ओह माय गॉड, क्या हुआ? हाँ? कुछ भी तो नहीं हुआ। ओह
गॉड, देखा क्या कर लिया। ओ माय गॉड, अब क्या करूं, घर में कोई नहीं। सुनो, उठो। क्या हो गया? यू चीट, जाओ मरो, मुझे क्या। मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। क्या? ये बच्चे लोग कौन है? ये हम दीदी के स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ रोज डांस सीखने आते हैं। अंकल, क्या आप भी डांस सीखने आए हैं? जी हाँ, मैं अपना सर सीखने आता हूँ यहाँ। मेरा डांस तो खत्म हुआ, अब आप अपना डांस शुरू कर दीजिए। कुत्ता, कमीना, मैं उस हरामजादे विजय के बच्चे को ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो आखिरी सांस तक याद रखेगा। लेकिन तुम्हारे डैडी, डैडी गए तेल बेचने। आखिर वो भी वही कहते जो मैं कह रहा हूँ। कोई बाप अपने बेटे की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम चाहते क्या हो? इन तीनों की मदद, विजय से बदला लेने के लिए। अरे क्या हुआ आपको? मैं यहाँ पर जॉगिंग करते हुए आई तो देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे थे। मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे खूब पीटा और उसे उस तरफ लेकर चले गए। कौन थी वो लड़की? उनकी बातों से सिर्फ इतना ही पता चला कि उसका नाम सोना है। कहाँ गए वो लोग? उस तरफ, आइए मैं बताती हूँ। सोना, सोना, सोना। मिस्टर आ गया ना, आना ही पड़ा ना। अब मैं तुझसे बदला उस दिन का गिन गिन के लूंगा। सुना मेरी पप्पी जी, पप्पी शेखर, मैं तुझे जान से मरा लूंगा। जा। विजय। सोना को छोड़ दे शेखर, तेरा झगड़ा मेरे साथ है। जो कुछ भी करना है मेरे साथ कर। बेवकूफ कहीं का। अरे लल्लू, यही तो असली झगड़े की जड़ है। और पहले कुल्हाड़ी जड़ पर ही मारनी चाहिए ना। नहीं पूछा है। कमीना है। स्टॉप इट, शट अप, शट अप। आगे मत बढ़ना शेखर, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। क्या रंगत है, जैसे लाल शराब में दूध मिला दिया हूँ। हनीमून, हनीमून। बजे कभी 10 बजे। हे भगवान, अरे यहाँ तो कोई नहीं। विजय, तू इतनी सवेरे? अगर मुझे ये मालूम होता कि
कि सूरज इतनी देर से निकलता है तो मैं राती को यही चला आता। और अगर मैं यहाँ न होती तो क्या करते? इंतजार। कब तक? एक साल, 100 साल, 1000 साल। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे तसव्वुर करता रहता तुम्हारे सुर्ख सुर्ख होठों का, तुम्हारी काली काली आंखों का, तुम्हारे घने घने बालों का। कविता यही पूरी करोगे या अंदर भी चलोगे? चलो। सर्दी कुछ ज्यादा है ना? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ओहो, क्या कर रहे हो यहाँ? तो आओ। अरे छोड़ो ना। काम तो करने दो ना। सच कहता हूँ सोना, अपनी ये हालत पहले कभी न थी। रात भर खुली आंखों से तुम्हारे सपने देखता रहता हूँ। मुझे तो लगता है अब भी देख रहे हो। नहीं नहीं सोना, ये सपना नहीं। तुम मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, मेरे पास हो। एक बात कहूँ विजय, किसी के इतने पास नहीं आना चाहिए कि दूर जाना ही मुश्किल हो जाए। दो होने पर दूरी होती है सोना, एक होने पर नहीं। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? बहुत। कसम खाओ। किसकी कसम खाओ? जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी लगती हो। तुम्हारी कसम। तुम मुझे बहुत चाहती हो ना? बहुत। कितना? तुम मुझे जितना चाहते हो ना उससे 10 गुना ज्यादा। तो फिर 10 बार कहो I love you। कहो ना। I love you। शुरू हो गई, लो शुरू हो
था दर तेज क्यों चल रही सांस है देख रहे हो ना उसी में बम लगाना है और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो धड़ाम से बम ब्लास्ट हो जाना चाहिए और देखने वालों को बिल्कुल एक्सीडेंट लगना चाहिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हा? आप बेफिक्र रहिए साहब गफ्फूर कभी अपने काम में फेल नहीं हुआ है जैसे ही वो चाबी घुमाएंगे वैसे ही उनके लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा बिल्कुल ओके सर साहब अरे भाई तुम्हारा काम हो जाए तो जरा इधर आ जाना मेरी गाड़ी खराब हो गई है सुना शादी कब कहां और किस वक्त होगी बोलो मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए कितना समय चाहिए तुम्हें एक दो साल और इम्पॉसिबल सुना सुना आ, 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 आ,
कितना पागल हूँ मैं, हमेशा तुम्हें तकलीफ ही देता रहता हूँ, रुलाता रहता हूँ तुम्हें। सुनो, शायद तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे शादी ना करो। मैं तुम्हें हमेशा दुखी देता रहूंगा, हमेशा तकलीफ ही देता रहूंगा। अगर जरा से दुख के साथ तुम्हारा इतना प्यार मिलता है तो मुझे दुनिया भर के दुख दे दो, मैं तुम्हारे दिए हुए हर एक दुख को अपने सीने से लगाकर प्यार करूंगी, उतना ही प्यार जितना मैं तुमसे करती हूं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। खराब लगती है। घबराने की कोई बात नहीं, भगवान ने बाल बाल बचा लिया। हाँ, थैंक गॉड। और विजय? उसके पैर की हड्डी टूट गई है, जवान आदमी है, थोड़े ही दिनों में चलने फिरने लगेगा। मगर वो तो बेहोश है डॉक्टर। बेहोश नहीं, उसे सोने का इंजेक्शन दिया गया है, अभी थोड़ी देर में जाग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तुमने तो बड़ी ढींग मारी थी कि तुम बहुत बड़े उस्ताद हो, क्या खाक की उस्तादी दिखाई तुमने? विजय मरा नहीं, सोना अभी तक जिंदा, पुलिस धमाके के बारे में जांच कर रही है। मेरे को बम लगाते टाइम वो छोकरे ने देख लिया था साहब, इसलिए मैं उधर से भागा था। ये देखने का टाइम में नहीं मिला कि बम बराबर लगा है कि नहीं लगा। अच्छा 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 अच्छा, ओह, इसलिए आपको भागना पड़ा ना? जी। क्योंकि छोकरे ने आपको देख लिया था और बम भी सही जगह पे लगा नहीं। सच्ची कहा है किसी ने कि जितना भी इंसान मोटा होता है ना, उतना ही उसका छोटा होता है। भेजा। आंखें नहीं खोलना। जब मैं कहूं तब आप आंखें खोलिए, मगर एकदम नहीं, धीरे धीरे। अच्छा, अब आप आंखें खोलिए। डॉक्टर साहब, मेरा दम घुट रहा है। डॉक्टर साहब, एक मिनट बेटी। तुम्हें ये रोशनी दिखाई देती? नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। ओह माय गॉड, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। हाँ? क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी आंखों को? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या मैं अंधी हो गई हूँ? बैठो बेटी, बैठो। मैं बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है बेटी कि एक्सीडेंट के टाइम कांच या लोहे का बारीक टुकड़ा आंख में चला जाता है और ऑप्टिक रीजन में जाकर फंस जाता है। इसकी वजह से
आंखों की रोशनी चली जाती है। डॉक्टर, क्या वो टुकड़ा वहां से किसी तरीके से निकाला नहीं जा सकता? एक ही तरीका, ऑपरेशन। मगर उस ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा खतरा है। उससे कभी दिमाग की नसें जख्मी हो सकती हैं और दिमाग को काफी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं जीवन भर इस अंधेरे में नहीं रहना चाहती। मैं देखना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मैं अपने विजय को देखना चाहती हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, मेरी आंखें लौटा दीजिए, मेरी आंखें लौटा दीजिए। हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से काम लो। भगवान और कुदरत के करिश्मे किसने जाने हैं। हो सकता है किसी दिन वो टुकड़ा अपने आप वहाँ से हट जाए और तुम फिर देखने लगो। नहीं डॉक्टर साहब, आप मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। मैं अब कभी नहीं देख सकूंगी, कभी नहीं देख सकूंगी डॉक्टर साहब। मैं हमेशा से बदनसीब हूँ। मैंने जिसे भी चाहा वो मुझसे छिन गया। छोटी सी थी तो माँ का प्यार मुझसे छिन गया। डैडी प्लेन लेकर गए तो वापस ही नहीं आए। और अब विजय का सहारा मिला तो वो भी खो जाएगा। मैं बड़ी बदनसीब हूँ। अरे इतनी बहादुर लड़की होके इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? कमल, कमल, मुझे अपने कमरे में ले चलो। हाँ चलो। लेकिन सोना से मिले बगैर मैं नहीं रहूंगा। मैं उसे मिलने जाऊंगा। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। विजय, ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा हूँ? कमल देखो ना कमल, ये लोग मुझे सोना से मिलने नहीं दे रहे। कमल कैसी है सोना? कमल देखो, जैसे मैं उसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ वैसे वो भी मुझे मिलने के लिए बेचैन होगी। कमल कमल कहो ना इन लोगों से, कहो ना, ले चलो ना मुझे उसके पास प्लीज। विजय, इतनी सी बात के लिए इतना सारा शोर करने की क्या जरूरत है? तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर तो उससे मिलने चले जाना। तुम लोग जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। आई एम हियर, आओ। विजय संभाल के। कमल, तुझे अपनी दोस्ती की कसम, सच सच बता कि सोना कैसी है? सोना, सोना अच्छी है, अच्छी है। मुंशी जी, क्या हुआ विजय को? एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ? तुमने सब कुछ तार में क्यों नहीं लिखा? सरकार, उस वक्त मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। क्यों ही मुझे खबर मिली, मैं आप बोला कम करो, ये बताओ कि विजय कैसा है? अच्छे हैं सरकार, मैंने श्रीनगर अस्पताल में ट्रंक कॉल किया था, कोई खतरा नहीं है। हमारा श्रीनगर जाने का इंतजाम करो। अच्छा, मगर तुम्हारा फैसला मेरी समझ में नहीं आया सोना। तुम विजय से मिलने से क्यों इनकार करती हो? वो तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा है। वो क्या देखेगा कमल, क्या देखेगा? सोना की जगह एक ठोकरे खाती, दीवारों से टकराती अंधी को देखकर वो पागल हो जाएगा। मैं उसके सामने नहीं जा सकती कमल, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। और वादा करो कि तुम भी उसे नहीं बताओगे कि उसकी सोना अंधी हो चुकी है, अब उसे कभी नहीं देख सकेगी, कभी नहीं देख सकेगी। प्लीज कमल, वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ सोना, मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो।
मगर मगर तुम कब तक अपने आप को इस तरह उससे दूर रख सकोगी? कब तक भागती फिरोगी उससे? जिंदगी भर। क्या कमल, अब तुम मुझे यहाँ से घर ले चलो, घर ले चलो। घर? हाँ। अगर सोना, डॉक्टर तुम्हें इतनी जल्दी हॉस्पिटल से नहीं जाने देगा। जब डॉक्टरों ने ही सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है तो घर क्या, अस्पताल क्या? साहब, आप जल्दी विजय साहब के रूम में चलिए। क्या हुआ उन्हें, क्या हुआ? वो रोके नहीं रुकते मैम साहब, आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। माय गॉड, अगेन। जल्दी जाओ कमल, नहीं वो यहाँ ना जाए। जल्दी जाओ, उसे बता ना देना। सोना, उसे बता ना देना। डोंट वरी। हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ मैं कहता हूँ, हट जाओ। विजय, डॉक्टर, हट जाओ। विजय, ये क्या पागलपन है, कहाँ जा रहे हो तुम? कमल, तुम भी मेरे सामने से हट जाओ। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। इतने दिनों से मुझे बहला रहे थे कि सोना अच्छी है, वो अच्छी नहीं है। अगर वो अच्छी होती तो मुझे मिलने नहीं आती। विजय, उसे डॉक्टर ने किसी से मिलने जुलने से मना कर दिया है। मैं किसी में से नहीं हूँ, मैं विजय हूँ। और अगर मैं उसके पास नहीं रहूंगा तो वो ठीक कैसे होगी? और फिर वो भी मुझे मिलने के लिए तड़प रही होगी। कमल, मुझे सोना के पास ले चलो ना प्लीज। कमल, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर सोना की तबीयत ठीक नहीं होगी मैं उसे बोलूंगा भी नहीं, बस दूर से देखकर चलाऊंगा। प्लीज कमल, प्लीज मुझे सोना के पास ले चलो कमल। ठीक है, एक मिनट ठहर जाइए, मैं बड़े डॉक्टर से परमिशन लेकर आता हूँ। मुझे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। टू हेल विद यू ऑल, मैं सोना से मिलने आ भी जाऊंगा। सोना, 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 सोना। डॉक्टर जी, घबराइए नहीं, इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। नर्स, इन्हें कमरे में ले जाइए। यस डॉक्टर। जी, आप? तुम हमें परेशान करना नहीं छोड़ोगे ना? अच्छे भले रहने में क्या तकलीफ थी भला, ये बताओ। जो एक्सीडेंट कर लिया, लेट गया बिस्तर पर, हैं? उठो उठो। अरे दादाजी, डॉक्टर कहता है कि मेरी पांव की हड्डी टूटी हुई है। अरे तो क्या हुआ, जब हम तुम्हारी उम्र के थे घोड़ी से गिर गए थे, चार पसलियां टूट गई थी, लेकिन अस्पताल तो अस्पताल, हम घर के बिस्तर पर भी नहीं लेटे थे, कबड्डी खेलते थे कबड्डी। दादाजी, ये किस्सा पहले भी आप 10 बार सुना चुके हैं, आप भोर मत कीजिए। फिर भी तुझे शर्म नहीं आई है? चलो उठो उठो उठो, खड़े हो जाओ, उठो उठो। हाँ, क्या करता है जरा, टैट टैट टैट। ये ले, दो घूंट भी फिर देना, क्या लड़की इनकी नजर में आता है। सरकार, ये आप क्या कर रहे हैं, इनकी हड्डियां टूटी हुई हैं। तुम चुप रहो मुनीम, इसकी हड्डियां हमारे खून से बनी हुई हैं, कोई प्लास्टिक की नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना चाहिए। उठो, आओ मेरे बीच बैठे, आ जाओ, आओ। शाबाश दादाजी, मैं चल नहीं सकता दादाजी। कोशिश करो दादाजी, दर्द बहुत होता है। धीरे दादू, दादाजी। तुम आ गए, तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर हमारी तो जान निकल गई थी। तुम नहीं जानते, तुम हमारी जान हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बुढ़ापे की लाठी हो तुम। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारी जान निकल जाती, हम कहीं के न रहते, कहीं के न रहते। चलो चलो घर चलो आप। दादाजी, घर जाने से पहले आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? क्या? आप मुझे सोना के कमरे में ले चलेंगे? सोना कौन है ये? वो आपकी होने वाली बहू। वो जो लड़की तुम्हारे साथ एक्सीडेंट में जख्मी हुई थी जी, हमारी बहू। अभी सोचता क्या है, अगर हमारी लाठी, चल 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 उसके कमरे में, चल चल चल। दादा
दादा, यही है सोना का कमरा। चलो चलिए। जी सोना कहाँ है? सोना को तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। कब? आज सवेरे ही। कमल बाबू है ना, वही घर ले गए। कमल? लेकिन लेकिन उसने तो मुझसे वादा किया था कि वो सोना को लेके पहले मेरे पास आएगा और मुझे बताए बिना वो सोना को घर ले गया। सोना, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ कमल, इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं विजय का दिल तोड़ देना चाहती हूँ ताकि उसका प्यार नफरत का एक ऐसा ज्वालामुखी बन जाए, जो फटे तो उसमें हर चीज जलकर राख हो जाए। सोना, उसका प्यार, उसकी जिंदगी। मगर तुमने कभी ये भी सोचा है कि ऐसा करने से उसके दिल पर क्या गुजरेगा? हाँ, सोचा है। अस्पताल के कमरे में अकेली लेटे लेटे दिन रात यही तो सोचती रही हूँ और सोचने के बाद इस फैसले पर पहुंची हूँ। मैं उसकी पत्नी बनने के काबिल नहीं। तुम्हारा ख्याल गलत है सुना, वो तुम्हें इतना चाहता है, इतना चाहता है, वो तुम्हें किसी भी हालत में स्वीकार कर लेगा। ये भी मैं जानती हूँ, प्यार के आवेश में आकर वो मुझे स्वीकार भी कर लेगा, मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे भी ले लेगा। मगर उसके बाद इन सात फेरों का पवित्र बंधन सात दिन भी नहीं निभेगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस पर बोझ बनने लगूंगी, ऐसा बोझ जो उठाया भी नहीं जा सकता, फेंका भी नहीं जा सकता। सोना, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा क्यों नहीं सोचती कि वो तुम्हारे अंधेपन को भी अपने सीने से लगा लेगा, तुम्हारी आंखें बनकर तुम्हारा हाथ थामे तुम्हें जिंदगी की राह पर ले जाएगा। प्यार करने वाले कुर्बानी देना भी जानते हैं सोना। नहीं कमल, नहीं, ये प्यार नहीं होगा, दया होगी। मेरे अंधेपन पर, मेरी बेबसी पर, मेरी मजबूरी पर, और ये दया की भीख मेरे लिए मौत से भी बदतर होगी। कमल, मैं विजय को जिंदगी की हर खुशी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो एक आजाद परिंदे की तरह आसमान में उड़ता फिरे। मैं नहीं चाहती कि वो एक ऐसा कैदी बन जाए जिसके पैरों में एक अंधी लड़की को निभाने की जिम्मेदारी जंजीर की तरह पड़ी हो। इसलिए मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ कमल। कमल, कमल, तुम कहाँ हो? कमल, मेरे पास आओ। कमल, कमल, प्लीज कमल, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, उसके सामने मेरे साथ प्यार का नाटक करो ना। प्लीज कमल, उसके सामने मेरे साथ प्यार का नाटक करो ना। प्यार का नाटक? देखो उसकी गाड़ी की आवाज, मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। कमल, देखो तुमने मुझ पर सैकड़ों एहसान किए हैं, एक और एहसान कर दो, जैसा मैं कहती हूँ करो। कमल, देखो वो आ गया। कमल, आई लव यू कमल, मैं हमेशा तुम्ही से प्यार करती रही, आज भी करती हूँ। बच्चों ना? हाँ कमल, कुछ समय के लिए विजय की दौलत की चकाचौंध ने मुझे राह से बेराह कर दिया था, तुमसे अलग कर दिया था। यह हादसा शायद उसी की सजा थी, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ सच्चा प्यार तो मुझे तुम्ही से मिल सकता है। विजय के पास तो दौलत के सिवा और है ही क्या। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी सोना कि मैं तुम्हें दोबारा पा सकूंगा। तो सच बताओ सोना, तुम मुझे बहुत चाहती हो? बहुत। कितना? तुम मुझे जितना चाहते हो ना, उससे 10 गुना ज्यादा। तो फिर 10 बार कहो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू। चला गया है। अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी कमल, यहाँ से कहीं दूर दूर चली जाऊंगी, ऐसी जगह जिसका विजय को अंदाजा भी ना हो। लेकिन तुम क्यों जाना चाहती हो?
वो तो खुद चला गया है। नहीं कमल, तुम उसे नहीं जानते। वो फिर आएगा, बार बार आएगा, और तब तक आता रहेगा जब तक मैं मर न जाऊं या वो मुझे मार न डाले। साहब, वो लड़की सोना घर छोड़कर कहीं चली गई और किसी को भी उसका पता मालूम नहीं। और विजय की क्या खबर है? सोना, बाबूजी आप? सोना कहाँ है? वो तो चली गई बाबूजी। कहाँ चली गई? ये तो मालूम नहीं बाबूजी, सिर्फ इतना कह गई है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। वो जहाँ भी होगी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसकी जान ले लूंगा मैं, उस बेवफा की जान ले लूंगा मैं उसका खून पी जाऊंगा, उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। बेवफा, बेवफा, मुझे छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के क्यों चली गई तू? क्यों बेवफा, बेवफा? सुना, मुझे छोड़ के क्यों चली गई? क्यों, 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 क्यों छोड़ के चले गए मुझे? क्यों, क्यों, क्यों छोड़ के चले गए मुझे?
चुरा लूं। आरती, तुम यहाँ? आरती, आरती क्या हुआ? आरती तुम बोलती क्यों नहीं? मुझसे क्या पूछते हो, अपने आप से पूछो। इसका मतलब है कि मैंने मैंने कुछ मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि मैं अपने रूम में विस्की पी रहा था और तुम वहां आई थी और तुमने सारा विस्की का नशा मुझ पर उतार दिया। मैंने कितनी मिन्नतें की तुमसे, कितना समझाया तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब क्या होगा विजय? आरती, तुम यहाँ हो? बेहरत, बेशरम, अभी सगाई की रस्म तक पूरी नहीं हुई और तुम यहाँ कब आ गई? मैं तो कल रात विजय से मिलने आई थी, उससे तसल्ली देने, उसका गम हल्का करने और अंकल मैं के बच्चे, तुम अपने आप को समझता क्या है? आरती को ऐसे वैसे लड़के नहीं, हर चरण वर्मा तुमसे दौलत में कम सही लेकिन इज्जत में हरगिज कम नहीं। अंकल, अंकल मेरी बात आप कहने सुनने को क्या रह गया? तुम्हारे जैसे आदमी को तो जान से मार। हरचरण, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये काम तुम नहीं, हम खुद करेंगे। दादाजी मैं मत कहो मुझे दादाजी, बेशरम तुम्हें डूब मरना चाहिए। एक अच्छे घर की लड़की के साथ ऐसा सलूक, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं दादाजी प्लीज, इन्हें मारने से मेरे माथे का कलंक तो नहीं मिटेगा। बेटी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जो हो चुका तो हो चुका, अब मैं विजय की हूँ, वही मेरे सब कुछ है, इन्हें प्लीज मेरे लिए माफ कर दीजिए। शेर जी, आरती ठीक ही कह रही, अब हमारी इज्जत इसी में है कि दोनों की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। What composition? What color? Fantastic! Oh, here comes the bridegroom, Vijay. Meet my friend, Mr. and Mrs. Hello. Benkede. How do you do? Yes, sir. Thank you. ये Time Magazine की तरफ से आए हैं, इंडिया पर फीचर बना रहे हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफ है, देखो। Where did you take this photograph? In a famous dancing institute in south of India. I think it's Nataraj Kala and something like that. Nataraj Kala Kendra near Madurai. That's the one. Thank you. क्या बात? विजय कुछ नर्वस लग रहा है? नर्वस होने की ही बात है, उम्र कैद की सजा जो सुनाई जा रही है। रात पीकर ऐसा धुत हुआ कि फिर रात भर करवट ही नहीं बदली और सुबह उठकर जो भी इल्जाम मैंने लगाए सारे चुपचाप कबूल कर ली। यू आर अ क्लेवर गर्लफ्रेंड, तुमने मेरी जान और इज्जत दोनों लुटा, वरना दुनिया को मेरे दिवाली बहन का पता चल जाता और मेरा सिनारा हो जाता। अब समझ, ब्रजमोहन सक्सेना की सारी दौलत दुनिया में किसी लेनदार की हिम्मत नहीं तो हर चरण वर्मा पे उंगली उठा।
सेठ जी दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। ओम जरा मेरे साथ आइए आइए ना चलिए। ये देखिए सरकार विस्की और चिट्ठी। देव दादाजी आप तो जानते हैं कि मैं आपसे झूठ कभी नहीं बोलता और अभी जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आपकी कसम दादाजी उस रात मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। वो एक गंदा नाटक था जो हरचरण वर्मा और उसकी बेटी ने हमें अपने जाल में फंसाने के लिए किया था। हरचरण अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा कर आपके दौलत पर कब्जा जमाना चाहता था क्योंकि हरचरण करीब करीब दिवालिया हो चुका है और लेनदार उसके पीछे पड़े हुए हैं। दादाजी आप भी नहीं चाहेंगे कि इस सूरत में मैं आरती से शादी करूं। मैं एक और धोखेबाज लड़की को सजा देने जा रहा हूं सोना को। बाय दादाजी एंड चीयर्स। थैंक यू बेटे तुमने हमारे दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। बंद करो ये हाथ निकाल और जाओ यहां से तुम लड़कियों। क्या बात है सेठ जी ये शादी नहीं होगी हरचरण। ये क्या कह रहे हैं आखिरी शादी क्यों नहीं होगी? इसलिए कि तुम बाप बेटी दोनों ने मिलकर मेरी जायदाद पर कब्जा जमाने का जो प्लान बनाया था चाल चली थी उसका मुझे पता चल गया। प्लान? कैसा प्लान? इसे पढ़ो पढ़ो। ये झूठ है। मेरा विजय कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसी गंदी हरकत तो बाजारी लोग भी नहीं करते। शेर जी शेर आप दोनों निकल जाओ इस वक्त यहां से। सोना से मिलना चाहता हूँ। यहाँ कोई सोना होना नहीं है। चले जाइए आप यहाँ से। मैं उसकी जान लिए बिना नहीं जाऊंगा। हट जाइए मेरे रास्ते से। रुक जाइए मैं नहीं जाने देगी आपको। सोना ऊपर नहीं है। अब तू भाग नहीं सकती सोना। मुझे पता है तू अंदर है। सोना
अच्छा तो नृत्य कला रानी सोना देवी यहाँ विराजमान है। दरवाजा बंद कर लेने से कुछ नहीं होता सोना, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। कैसे हो विजय? तुमने तो मुझे जीते जी मार डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूं सोना। तुम बताओ कैसी हो, खुश हो, ऐश कर रही हो, जिंदगी के मजे लूट रही हो, बोलो। अगर ये जहर उगलने से तुम्हें तसल्ली होती है तो बोलते रहो, तुम्हारी खुशी के लिए ये भी मंजूर है। खुशी, तसल्ली, सुख, कमीनी, तू इन शब्दों को मेरी जिंदगी से कब का निकाल चुकी है। अब तुम इन शब्दों का मतलब भी भूल गया हो। मुझे भी भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? तूने मुझे कहीं का नहीं रखा, बर्बाद कर दिया मुझे, बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी को। तू हमेशा साय की तरह मुझसे लिपटी रहती है, सोता हूं तो तेरे सपने मुझे आते हैं, जागता हूं तो तेरी आवाज मुझे सुनाई देती है। तो कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं तुझे सोना, बोलो। तुम्हें कैसे बताऊं? मैं बता भी क्या सकती हो, प्रेम तुम्हारा खेल है। पहले तुमने कमल को बेवकूफ बनाया, फिर मेरी दौलत देखकर तुम मेरे पास आई। जब तुम्हें पता चला कि एक्सीडेंट में मेरे हाथ पैर टूट चुके हैं तो तुम फिर कमल की बाहों में चली गई। मैं कमल से नफरत करने लगा था, लेकिन उस बेचारे का क्या दोष, प्रेमी तो तुम बदलती हो, लोगों के दिलों से खेलती हो, और जब तुम्हारा दिल भर जाता है तुम उन्हें पुराने कपड़ों की तरह उतार कर फेंक देती हो। आजकल किसकी बाहों में हो? जब तुम जानते थे कि सच्चाई क्या है, जब तुम जानते थे कि मैं कितनी नीच हूँ, तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, तो यहाँ क्यों आए, क्यों आए यहाँ? उन आंखों की रोशनी छीन लेने के लिए जो लोगों के जीवन में अंधेरा कर देती है, उस दिल की धड़कनों को रोक देने के लिए जो दूसरों के दिलों को खिलौना समझती है। तो इंतजार किस बात का है? टुकड़े टुकड़े होकर मरने से तो एक बार की बहुत अच्छी है। लो, घोट दो मेरा गला विजय, मार डालो मुझे, मार डालो। विजय, विजय रुक क्यों गए? बढ़ो आगे, कुछ हम आपने इंतजाम किया। विजय, विजय, विजय मार डालो मुझे, मार डालो। नहीं, सुनो, 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 तुम्हारी आंखें? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ, मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है। मेरी तपस्या भंग मत करो, मैं जिस अंधेरे में चल दूं, मुझे वहीं पड़ी रहने दो, मुझे वहीं मरने दो, मुझे छोड़ दो विजय। पगली, तू इतना कमजोर समझती थी अपने विजय को कि तेरी आंखें नहीं होंगी तो मैं तुझे ठुकरा दूंगा? नहीं सुना, नहीं सुना, अगर तू अपनी आंखों से नहीं देख सकती तो मेरी आंखों से देख। Thank you.
हमराही मेरे हमराही है
मेरे संग तू तो गम क्या, चलना है तेरी जुल्फों के साए साए मेरे हमराही हमराही मेरे हमराही हमराही मेरे हमराही। मुझे ओ मुझे सरकार जी सरकार मुझे तार आया है तार तार किसका तार है सरकार? ये तार विजय का है, मेरे विजय का, उसको सोना मिल गई है। आपका मतलब है सोना मिल गया? चांदी सोने के चक्कर में खा खा पड़ गए हो। सोना लड़की का नाम है जिससे कि विजय प्यार करता है, वो उसे मिल गई है, दोनों श्रीनगर में है। उसने तार भेजा है कि जल्दी आओ, हमारी सगाई हो गई है, जल्दी से तैयारी करो जाने की, ऐसा न हो कि हमारे जाने से पहले ही वो फिर विस्की का गिलास उसके ढीले कर दे। दरवाजा यह है मैडम का स्टैचू। अंदर चलो यार। सोना सोना, अरे दरवाजा खोल के कहाँ घूमोगे? अच्छा तो आप यहाँ छुपी हुई हैं मैडम। मैंने तुमसे इतनी बार कहा है कि इस तरह अकेले में घुमा फिरा मत करो, कहीं गिर के तुम्हारे हाथ पैर टूट जाते तो। अब आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए विजय साहब, मुझे पूरे घर का नक्शा मालूम हो गया है। देखो इस दरवाजे के बाईं तरफ 15 कदम की दूरी पर दीवार है, दाईं तरफ 15 कदम की दूरी पर बेडरूम है, और वहां से 40। बस 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 मैडम, मुझे पता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त हम आपसे कितनी दूर हैं? तुम तो किसी वक्त भी मुझसे दूर नहीं हो विजय। पब्लिक के सामने आप क्या कर रही हैं? पब्लिक के सामने? हाँ, देखो ना कमल आया है। हेलो कमल, चलो अंदर चल के चाय पीते हैं। चलो। आप विजय को जानते हैं? बहुत करीब से, लेकिन यह नहीं जानता था वो इतना बेवकूफ है, वरना तुम जैसी खूबसूरत लड़की का साथ कैसे छोड़ देता। आप अपनी आंखें देखो, कयामत की आंखें हैं, और उसकी आंखें देखो अंधी है। आप अपने होंठ देखो, गुलाब की दो पंखड़ियां हैं, और उसके होंठ देखो जहर का एक प्याला है। आ हा हा हा, चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। अब आए आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? अब मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? मैं ये सोच रहा था कि जब दो चाहने वाले मिलते हैं तो वो प्यार की बातें करते हैं, और जब दो नाकाम चाहने वाले मिलते हैं तो वो क्या बातें करते हैं? अपनी इंसल्ट का बदला लेने के बारे में सोचते हैं। वंडरफुल, आप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि समझदार भी हैं। हाय। अब ये आप लीजिए ना। थैंक यू। व्हाट अबाउट यू? कैलोरीज, यू नॉट डाइटिंग। मोटा हो गया बहुत मैं। श्योर? एब्सोल्युटली श्योर। आप लीजिए ना बेटी। अरे तुमसे ज्यादा प्यास तो मुझे लगी। अच्छा अपनी बिटिया के साथ मेरा परिचय नहीं कराओगे? हाँ बेटे, ये है मेरा पुराना दोस्त गुप्ता, वर्षों बाद आज अचानक मिले। नमस्ते। दोस्त हो तो ऐसा,
एक दोस्त को प्यास लगी और दूसरा दोस्त ड्रिंक हाथ में लिए। चलो बला टली शेखर, बिटिया और अंकल का सामान होटल से लेकर अपने घर पर पहुंचाओ। जी। अब ये होटल में नहीं, अपने साथ अपने घर में रहेंगे। जी हाँ। मैं कहती हूँ शेखर, इससे अच्छा मौका तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा। तुम्हारे डैडी भी बॉम्बे गए हुए हैं और सुंदर अंकल भी यहाँ नहीं है। थोड़ा सा धीरज रखो, विजय और सोना से बदला लेने के लिए तुमसे ज्यादा बेचैन मैं हूँ, मगर शाम पर वार सामने से नहीं पिछवाड़े से करना चाहिए। वार किधर से भी करो, लेकिन मैं तुम्हें तब मानूंगा जब उसका खमंडी दाता गिड़गड़ाता हुआ नाक रगड़ता हुआ मेरे कदमों में आए और मुझसे माफी मांगे। और सर क्या साफ साफ साफ, इसी की वजह से उस दिन सारा ड्रामा फ्लॉप हो गया। अगर ये बॉम्ब उस दिन विजय की गाड़ी में सही तरीके से लगा देता तो आज उन दोनों की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। देखिए वो छोकरा भाग रहा है ना, उसी ने मेरे को कार में बम रखते टाइम देख लिया था। क्या अब भी मैं उसको पकड़ के लाता हूँ। ना जाने कब से खिड़की में खड़ा हुआ हमारी बातें सुन रहा था, कहीं पुलिस में चला गया तो? आप फिक्र मत करो अंकल, वो हमसे बच नहीं सकता। समझ गई थी कि कोई अपना आया है। कैसे हो, आज कैसे फुर्सत मिल गई? मैं ठीक हूं। विजय कहाँ है? कमल ये क्या हुआ, क्या बात है विजय? कुछ नहीं, बाहर खड़े खड़े बातें कर रहा था ना, मैंने कहा अंदर आने के लिए। अरे हाँ अंदर आओ कमल। आओ कमल बैठो। सुनो हाँ? तुम जरा चाय ले आना। अभी लाती हूँ। कमल क्या ये सब, ये क्या हो रहा है? उन्होंने तो मुझे खत्म कर दिया था, मेरी बहन खड्ड में गिरा दी विजय, पर मैं बच गया। उनका तो यही ख्याल है कि मैं मर गया हूँ। कौन, किसकी बातें कर रहे हो? शेखर और उसकी टोली की। उनके साथ कोई गफूर नाम का आदमी है विजय, वो सब तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। गफूर? हाँ विजय, तुम्हारी गाड़ी में बम रखने वाला वो था और रखवाने वाला शेखर। हाँ ये दोनों आदमी ही सोना के अंधेपन के लिए जिम्मेदार है। ये सब कुछ मैंने खुद उनके मुंह से सुना है विजय। कमल मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोना
चाय हम बाद में पियेंगे सोना, अभी हमें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। बाहर? अचानक? हाँ, कमल की वैन का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? नहीं, नथिंग सीरियस। उसी सिलसिले में हमें किसी आदमी से मिलना था। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, अगर देर हो गई तो तुम घबराना नहीं। हाँ, चलो कमल। चेयर्स एंड टेबल्स। विजय, ये भी जिंदा है? गफूर कहाँ है? कौन गफूर? रिवॉल्वर की शक्ल देखते ही तुम अपने साथियों का नाम भूल गए। तुम भी भूल जाओगे, जरा चारों तरफ अपनी मुंडी घुमा के देखो। जेम्स बॉन्ड का भतीजा। बुरा कपूर। गफूर, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे मत मारो, हम इन सब बदमाशों को पुलिस के हवाले करेंगे। जिस कमीने ने मेरी सोना की आंखें छीन ली, मेरे दोस्त का ये हाल किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं। शेखर, सॉरी, फसाद की जड़ तू ही है और ऐसी जड़ को काट फेंक देना चाहिए जो जहरीले पौधों को जन्म देती है। विजय, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रीजन। हर चीज के लिए एक एक वजह होती है ना। चलो, मेरी सोना को अंधा करने की, कमल की जान लेने की कोशिश करने की वजह क्या है, बोल। बड़े भाई, वही तो बताना चाहता हूँ आपको। तो जल्दी बताओ, मेरे तीन गिनने से पहले बता दे। एक, तुम तो बोलते शुरू हो गए। दो, जल्दी जल्दी, और तीन। उल्लू का पट्टा। खजाने की चाबी तोड़ना चाहता है। खजाना? लॉलीपॉप, फैटो, खजाना, अनमोल खजाना। इसका जो दादा है ना, ग्रैंडपॉप, करोड़पति आदमी है, अपने इकलौते पोते की जिंदगी और आजादी के लिए 50-60 लाख तो यूं ही फेंक देगा। ओ यू, आओ ना, ले जाओ इसे, दोनों को बांध दो। वाह वाह वाह, क्या दिमाग पाया। क्या बात सोची। मगर जब वो घर पहुंचेगा तो सबको बता नहीं देगा हमारे बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कैसे? कभी मरा हुआ आदमी बोलता है क्या? हम इसको बक्से के अंदर बंद करके इसके दादा के पास भेजेंगे। मुर्दा। भयानक तूफानी रात, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, ऐसे में वो बेचारी अंधी लड़की अकेली कैसे रहेगी? सोना? नहीं नहीं,
मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। सोना, सोना किधर हो तुम? सारी दुनिया अंधी हो गई? अरे बेवकूफ लड़की, ये चारों तरफ फैली रोशनी के अंदर मैं तुझे अच्छी तरह से देख सकता हूं, और मैं आ रहा हूं तेरे पास, मैं आ रहा हूं तेरे पास। छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा तुझे, मैं छोड़ूंगा। विजय तुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा सोना। जानती हूं मैं यहां पर कैसे आया,
जानती हो, मैं विजय को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके आया, हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके आया सोना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके आया सोना। सोना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा सोना, नहीं छोड़ूंगा। अरे दरवाजा खोलो, इसको दौड़ा पड़ गया भैया। अरे अरे जरा पानी वानी तो लेके आओ। अरे भाई दरवाजा तो खोलो, अरे जल्दी, अरे जल्दी, मर जाएगा बेचारा। अरे ठीक है, तुम फौरन जाओ, सोने को बचाओ, मैं संभाल लूंगा। अरे फिर कहाँ गायब हो गई, भूत नहीं कहेंगी। मैं कुत्ते का बच्चा हूँ, कुत्ते की तरह पीछे पड़ता हूँ, नहीं छोड़ूंगा सोना, नहीं। आंखें खोलो सोना, 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 देखो, सोना देखो, मैं आ गया, सोना, आ...
तुझे मार डालूंगा। I kill you, bastard, I kill you। उठे, छोड़ दो कमाल। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बदमाश। उठो। इंस्पेक्टर। उठो। मुझे बचाइए। इस गुंडे से। अच्छा, तो आपने? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था कि आप बहुत ही शरीफ आदमी हैं। लेकिन आज तो आपको हमारे साथ जीप में आना ही पड़ेगा। अंकल, शट अप, निकलो इसे। विजय, तुम देख सकती हो सुना? हाँ विजय, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मैं तुम्हें देख सकती हूँ, कमल को देख सकती हूँ। मगर कैसे? पता नहीं विजय, जब शेखर ने मेरा सर पत्थर पे पटका तो मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने देखा वो तुम्हारे पीछे खड़ा है तुम्हें मारने के लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा सुना। शायद पत्थर से सर टकराने की वजह से ऐसा हुआ हो। डॉक्टर ने कहा था ये मुमकिन है कि कभी अपने आप ही देखने लग जाए। थैंक गॉड अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, सीधा बम्बई चले जाएंगे दादाजी के पास। हाँ। और कमल तुम भी हमारे साथ चलोगे हमेशा के लिए। चलो। ए, नहीं विजय, नहीं, आपस की दूरी से दोस्ती ज्यादा मजबूत होती है, प्यार और ज्यादा गहरा होता है। मुझे वही रहने दो जहां मैं हूं। कमल तुम जहां भी हो हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। अच्छा यार हम चलते हैं। अरे ये क्या, दादाजी तो सचमुच ताला लगाकर चले गए। हाँ, दादाजी ने एक बार जो कह दिया तो कह दिया, उनका हुक्म टालने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। चलो सुना, हम अपना काम जल्दी से शुरू कर देते हैं। काम? कैसा काम? वही, एक नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना। हटो। अरे हटूंगा तो मुन्ना कहाँ से आएगा।